सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। हमारे किसी भी योग शिक्षक की कक्षा में आप चले जाओ, वो भी आपको प्राणायाम सिखा देंगे। और प्राणायाम हम 8 सिखाते हैं, जैसे भस्त्रिका, जैसे कपालभाति, जैसे अनुलोम विलोम, जैसे उज्जायी, जैसे प्रणव, जैसे उद्गीत, ऐसे 8 प्राणायाम हम सिखाते हैं। वो आप नियमित रूप से करते जाओ तो वात पित्त कफ तीनों ठीक होगा। हर व्यक्ति 1 घंटे का समय अगर सवेरे निकाले और ये सब प्राणायाम नियमित रूप से करे तो वात पित्त कफ तीनों संतुलित होते हैं और जीवन आपका एकदम स्वस्थ और निरोगी होता है। ये पहला सरल उपाय है। दूसरा उपाय आयुर्वेद में ये कहा गया कि वात को संतुलित इसलिए रखो क्योंकि ये सबसे खतरनाक है। खतरा क्या है? अगर वात बिगड़ेगा तो 80 रोग आते हैं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर हाई होना, ब्लड प्रेशर लो होना, ब्रेन हेमरेज होना, पैरालिसिस होना, लकवा मारना, ब्रेन स्ट्रोक आना, कार्डियक अरेस्ट होना, हार्ट फेल होना, हृदयाघात होना, ऐसे 80 रोग हैं जो वात के बिगड़ने से आते हैं। इन सब रोगों को बचाना है तो वात को ठीक रखो। और वात को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद में कहा गया शुद्ध तेल खाओ तो वात हमेशा ठीक रहता है। शुद्ध तेल खाओ तो वात बहुत अच्छा रहता है। जो तेल कोल्हू से निकलता है वो तेल खाओ, वो शुद्ध है तो वात आपका ठीक रहेगा। तो आप बोलोगे ये जो बाजार में तेल मिलता है ये शुद्ध नहीं है। बाजार से कोई भी तेल आप खरीदोगे सभी तेल में मिलावट है। पता है मिलावट क्यों है? बात ऐसी है कि हम भारतवासी 1 साल में 56,000 करोड़ रुपए का तेल खाते हैं। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि 1 साल में भारत में कुल 30,000 करोड़ का तेल पैदा होता है, शुद्ध तेल जिसको हम कह सकते हैं। 30,000 करोड़ का तेल पैदा होता है, तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब तेल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए का पैदा होता है। मैंने एक बार सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री को पूछा कि आप ये 26,000 करोड़ का जो तेल खरीदते हैं ये कौन सा तेल खरीदते हैं? तो वो कहते हैं कि ज्यादातर पाम तेल खरीदते हैं, पाम तेल का नाम पामोलिन तेल खरीदते हैं। और पामोलिन तेल क्यों खरीदती है सरकार? तो उनका कहना है कि ये सबसे सस्ता है। और कितना सस्ता है? 10-12 रुपए लीटर में मिल जाता है। लेकिन ये पामोलिन तेल जो सबसे सस्ता हमारी सरकार खरीद रही है ये दुनिया में कोई नहीं खाता पामोलिन तेल को, इसलिए ये सस्ता। आपको शायद मालूम है दुनिया में 2-3 देश हैं जहां पर पामोलिन तेल बहुत पैदा होता है। एक तो मलेशिया, एक तो इंडोनेशिया। ऐसे कुछ मलेशिया इंडोनेशिया के आसपास के देश हैं जहां पामोलिन तेल बहुत पैदा होता है लेकिन वहां कोई नहीं खाता, वो लोग नारियल का तेल खाते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया। हमने ये जानकारी ली मलेशिया इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों से और वहाँ के नागरिकों से कि भैया आपके देश में तो सबसे ज़्यादा होता है पामोलिन तेल, आप क्यों नहीं खाते? वो कहते हैं कि ये तेल कभी भी हजम नहीं होता इसलिए नहीं खाते। और जो तेल हजम नहीं होता ना वही तेल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। एक मोटी बात याद रखना आप कि जो तेल हजम हुआ तो वो खून बढ़ाता है और जो तेल हजम नहीं हुआ वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अगर खून बढ़ेगा तो सब चीज़ें बढ़ेंगी। रक्त है तो मांस है, मांस है तो मज्जा है, मज्जा है तो वीर है, वीर है तो शुक्र है, ये सब रक्त में से ही बनता है। पाम तेल हजम नहीं होता इसलिए वो रक्त में नहीं बदलता, वो कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है।
और जो कोलेस्ट्रॉल है वो इतना खतरनाक शैतान है कि 103 बीमारियों का वो सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल। अब हमारे देश में क्या हो रहा है कि शुद्ध तेल में पाम तेल मिला के बेचा जा रहा, बाजार के सब तेलों में पाम तेल मिला हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप बाजार का तेल मत खाओ, वो शुद्ध नहीं है। तो फिर आप बोलोगे शुद्ध तेल कहाँ से लाएं? आपके मोतिहारी में एक कोल्हू चलवाओ, उस कोल्हू में अपनी सरसों को सामने निकलवाओ तेल, वो खाओ। पहले भारत के गांव-गांव में कोल्हू चलते थे और हम शुद्ध तेल खाते थे। जब तक भारत के लोग शुद्ध तेल खाते रहे हम ज़्यादा स्वस्थ थे और ज़्यादा तंदुरुस्त थे। जब से ये मिलावट का तेल खाना शुरू किया तभी से हमें सारी बीमारियाँ आईं। तो आपसे निवेदन है कि मोतिहारी में कोल्हू चलवाओ, और एक कोल्हू चलाने का खर्च 30-35 हज़ार रुपये आता है। बस 15-20 हज़ार की लकड़ी खरीदो, कारीगर को पैसे दो तो वो मशीन बना देगा, और 10-12 हज़ार का एक बैल खरीद लो वो कोल्हू को चला देगा। कोई बहुत बड़ी रकम खर्च नहीं होती, और आज के जमाने में 30-35 हज़ार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं। तो आप एक कोल्हू लगवा लो, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, उसमें अपनी सरसों का तेल निकलवा के वो खाओ तो बात कभी भी आपका बिगड़ेगा नहीं, तो 80 बीमारियों से बचे रहोगे। कितनी बड़ी बात है। यह ऐसा भी हो सकता है कि मोतिहारी में शायद पहले से कोई कोल्हू चलता हो और अब बंद हो गया हो, उसको फिर चालू करा लो। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है, डिमांड करो तो सप्लाई होगी। अब कोल्हू के तेल की मांग करोगे तो कोल्हू चालू हो जाए। फिर आप ये पूछोगे कि मशीन का तेल और ये कोल्हू का तेल क्या अंतर है? बड़ा अंतर है। मशीन का तेल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? जब कोई तेल मशीन से निकाला जाता है तो मशीन बिजली से चलती है, और बिजली से चलने वाली सभी मशीन की गति बहुत तेज होती है, और तेज गति से मशीन जब चलती है तो उसमें घर्षण ज़्यादा होता है, और घर्षण होने से उसमें तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। तो तेल निकलते समय बहुत गर्म हो जाता है, और तेल अगर निकलते समय गर्म हो गया तो उसकी पोषकता बहुत कम हो जाती है। अब कोल्हू में क्या होता है? कोल्हू बहुत धीमे धीमे चलता है, बिल्कुल धीमे, और धीमे चलने से कोल्हू की जो मशीन है उसमें घर्षण कम होता है, घर्षण कम होने से उसमें गर्मी नहीं बढ़ती ज़्यादा, तो तेल गर्म नहीं होता, तो तेल की पोषकता और शुद्धता दोनों बरकरार रहती है। इसलिए कोल्हू का तेल खाओ, बात आपका हमेशा शुद्ध रहेगा और आप 80 बीमारियों से बचेंगे। तो ये देखो कितना सरल उपाय है। एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, ये कोल्हू पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये सोने से खरी है, ये मशीन नई टेक्नोलॉजी है और इसमें हम डूब गए। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी।